अस्सलामुअलैकुम जी, व्हाट्सअप गाइस, वो यार बैक विद एंड ब्लॉग। तो अभी टाइम तकरीबन हो गया है 12:15 और संडे का दिन है। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि मैं डॉक्टर बन रहा हूँ तो साथ साथ जो है मैं इंटर्नशिप भी करनी होती है। तो अभी हॉस्पिटल चलते हैं तो उधर जाके आपको दिखाते हैं कि क्या क्या जो हम काम करते हैं। सो लेट्स गो। लेकिन जी बेकरी पर हम पहुंच चुके हैं। मैंने कहा जाते हुए ना मैम के लिए कोई चीज़ लेते जाएं, जैसे चलते हैं अब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो बिग शाउट आउट टू मैम निमशा गज़ल। अगर आपको भी किसी को फिजियोथेरापी का कोई भी इशू हो तो 100% हाईली रिकमेंडेड है कि आप इधर कलसुम मेमोरियल हॉस्पिटल में आके तो अपनी फिजियोथेरापी या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लास्ट मंथ मुझे भी एंकल स्प्रेन हुआ था तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया मैम ने। सो अगर आप में से भी अगर किसी को कोई इशू हो तो यहाँ से ट्रीटमेंट करवाना 100% रिकमेंडेड है। लें जी, ये हमारा रूम है और हम यहाँ बैठ के जो है मेल पेशेंट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि फ़ीमेल पेशेंट को हम बिल्कुल नहीं ट्रीट करते ना रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि उनकी प्राइवेसी का इशू होता है। और मज़े की बात यह है कि जब मेल पेशेंट आता है तो उसके साथ हम सलाम दुआ में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम वीडियो बनाना ही भूल जाते हैं। सो इधर मैं वेट कर रहा हूँ कि मेल पेशेंट हो तो उन्हें मैं चेकअप करूँ। बेसमेंट में ही है हमारा रूम जो है ना मैम का। चलते हैं दोबारा मैम के पास और अपना नेक्स्ट वर्क जो है वो स्टार्ट करते हैं। पढ़ने के बाद टी ब्रेक है, उसके बाद एक मेल पेशेंट आते हैं, इनके एक्सीडेंट हुआ होता है, अब इनका ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन जी टाइम तकरीबन 4:00 और हॉस्पिटल से हम फ्री हो गए हैं, अब चलते हैं घर को। सो आज का व्लॉग यहाँ तक ही था। थैंक यू सो मच आप लोगों ने देखा और मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।